दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड में निकली आपकी अप्रेंटिस के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपकी कौन सी ट्रेड है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी अप्रेंटिस के लिए जिसके लिए आप कब से लेकर कब तक, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी, आप किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है, जल्दी से आप हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी अपडेट मिलती रहे। डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब कर लें लर्निंग टाइम को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आए आपको डिटेल और ये आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन है, 2 पेज का है आपका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर NATS। यहाँ पे आपको कैटेगरी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की है, जिसमें आपका मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस, सिविल की 84 है। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ड्यूरेशन अप्रेंटिस की 1 साल की रहेगी। आपको स्टिपेंड जो मिलेगा 9000 मिलेगा। आपका कैटेगरी 2 टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर की अप्रेंटिस है, जिसमें मैकेनिकल की 9, केमिकल की 10, इलेक्ट्रिकल की 8 और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की 10 है। टोटल 37 है, जो 1 ईयर आपका ड्यूरेशन रहेगा, 8 ईयर स्टूडेंट मिलेगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएट कैटेगरी में अप्रेंटिस के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाई सचिवरी यूनिवर्सिटी रिलेवेंट डिसिप्लिन, डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट टू ग्रांट सच डिग्री बाय एक्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन हो जिसमें आपका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं ही सी मस्ट इनरोल रजिस्टर होना चाहिए NATS पोर्टल में। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं उनका आपका NATS का पोर्टल होता है, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेंड डिग्री डिप्लोमा लास्ट 3 ईयर 2019-20 में, आप 30 में अगर आपने कर लिया है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 18 में है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैटेगरी 2 टेक्नीशियन की यहाँ पे बात करें, डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाई स्टेट या सेंट्रल बॉडी से आपका, या आपका हो, या आपके देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाई यूनिवर्सिटी रिलेवेंट डिसिप्लिन। यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपका रजिस्टर होना चाहिए NATS पोर्टल पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो तभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम 2019-20-21 में आपने कंप्लीट कर लिया डिप्लोमा डिग्री तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 18 में है तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रिजर्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू गेट देम सेल्फ रजिस्टर NATS पोर्टल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20/12/21 तक यहाँ पे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं NATS के पोर्टल पे, ठीक है। तो 20/12/21 पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के माध्यम से यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेरी आपको जिस ईमेल एड्रेस पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मल्टीपल स्टेज होगा, तो आपका जो देख सकते हैं BCPL मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर लास्ट डेट है इसकी, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए NATS पोर्टल पे 20/12/21 समय भी यहाँ पे दे रखा है आपके 12 बजे से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी NATS का पोर्टल है, यहाँ पे आपको इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद यहाँ पे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाता है, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनरोल करने के बाद यहाँ पे आपको डिसिप्लिन, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा, उसको आपको फाउंड करेंगे, ठीक है। BPCL डाल के उसका पूरा नाम डाल दीजिए, उस तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड इनरोल में जाकर यहाँ पे इनरोल करेंगे अपने आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा इनरोल करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए यहीं पर ऑप्शन आएगा एस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ पे फाइंड करेंगे उसको, अप्लाई आपका जैसे ही होगा वहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से जाएंगे। देखिए कैरियर में जाना है, ठीक है। यहाँ पे होम पे आप हैं तो यहाँ पे कैरियर पे जाएंगे, कैरियर पे नीचे आपको देखने को मिलेगा इंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप आपको जो है अप्रेंटिस का 2021-22 के लिए, यहाँ पे इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आपको अगर ये हमारी जानकारी या वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा। डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए धन्यवाद।